3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है? द एडजेसेंट फिगर HOPE इज अ पैरेललोग्राम। पहले तो दिया है HOPE एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल मेजर XYZ, XYZ की वैल्यू निकालनी है। स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज इन टू फाइंड देम। अब हमको प्रॉपर्टीज भी लिखनी हो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रॉपर्टीज सब में लिखनी है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? पहले तो y सॉल्यूशन लिखिए, y इक्वल्स टू 40 डिग्री। क्यों आ जाएगा? क्योंकि तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है दोनों, तो इससे क्या आ जाएगा हमारा, हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 40 डिग्री आ गई। अब हमें क्या करना है? अब हमको नेक्स्ट x और z की भी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 40 + z। ये आपका क्या आ जाता है, 40 + z इक्वल टू 70 डिग्री। ये आपका करस्पॉन्डेंस एंगल है, इन दोनों का सम इक्वल टू करस्पॉन्डेंस एंगल, मतलब 40 + z जो एक साथ है ये वाली करस्पॉन्डेंस एंगल इक्वल टू 70 डिग्री। करस्पॉन्ड एंगल, इससे आपको क्या आ जाएगी, z यही रह जाएगा 70 - 40, तो z की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30 डिग्री। z की भी आपकी वैल्यू 30 डिग्री आ गई। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हम कर सकते हैं x प्लस 40 + z प्लस 180 डिग्री। ठीक है, ये सप्लीमेंट, ये आपका एडजेसेंट एंगल है, तो एडजेसेंट एंगल का मैंने बताया था आपको सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज सप्लीमेंट्री। ये हम पहले जो हमारे क्वेश्चन किए हुए हैं उसमें हमने ये प्रॉपर्टी लगाई थी, तो ये प्रॉपर्टी आपकी क्या हो गई, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज सप्लीमेंट्री। ये पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, ये करस्पॉन्डेंस एंगल थे जो कि 70 डिग्री के इक्वल थे। ठीक है ना, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, अब x की वैल्यू आपको नहीं पता है लेकिन आपको 40 और z की वैल्यू भी मालूम है जो कि 30 डिग्री है, तो हम क्या कर देंगे, x इक्वल्स टू x प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 110 डिग्री। तो आपका x, y, z ये तीनों की वैल्यू आप निकाल सकते हो। मैंने आपको इस तरह से कराया है लेकिन हो सकता है कि अगर आप किसी और से पूछेंगे तो इसको वो किसी और तरीके से भी बता सकता है, लेकिन आपको आपका आंसर सेम ही आएगा। मैंने जैसी प्रॉपर्टी लगाई है, प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी होती हैं और सब लोग अपने अपने तरीके से लगाते हैं। ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है जो कि इसी तरीके से हो, लेकिन आप मुझे बताए ज़रूर दीजिएगा कि अगर आप कोई दूसरी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से होगा, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है 3.3 का, द फॉलोइंग फिगर GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम, y, x एंड y। हमको इसमें दो पार्ट दिए हुए हैं, पहले डायग्राम में इस तरह से GUNS दिया हुआ है हमको, तो हम उसमें x और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हम x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम पहले लिखेंगे GU इक्वल्स टू SN अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो GU की वैल्यू कितनी है 3y - 1 और SN की 36। ठीक है, तो 3y एज इट इज रहेगा, 36 और यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है ना, 36 प्लस 1 आ जाएगा आपका यहाँ पे करके। अब क्या आएगा यहाँ पे, y की वैल्यू आप निकाल सकते हो,
26 है, ठीक है। तो 26 प्लस 1 हो जाएगा आपका 27, और y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 27 अपॉन 3, 3 9 जा 27, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9। अब वापस से हम करेंगे, क्या करेंगे हम, एस जी इक्वल्स टू एन यू, ये भी आपका वही है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एस जी कितना है यहाँ पे 3x, एन यू कितना है 18, तो अब क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 18 अपॉन 3, 3 6 18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी 6, तो x और y की वैल्यू हमारी यहाँ पे निकल के आ गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड करते हैं, फर्स्ट मैं करा चुकी हूँ, अभी सेकंड करते हैं। सेकंड में डायग्राम ये थोड़ा सा तिरछा बन गया, बुक में सही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ये जी आर यू एन एस, जी यू एन एस वाला हम सॉल्व कर चुके हैं, ये आर यू एन एस बना हुआ है, ठीक है। आर यू एन एस में बाइसेक्शन ये दिए हुए हैं आपके डायगोनल्स, ठीक है। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं, तो हम इसको ओ नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ओ नाम दे देते हैं तो क्या हो जाएगा इसमें बाइसेक्ट, मैंने बोला था जहाँ आपके बाइसेक्ट होते हैं तो वो इक्वल आता है, ठीक है। तो एस ओ मतलब आपका ये एस ओ और इक्वल्स टू ओ यू आएगा, तो एस ओ इक्वल्स टू ओ यू हम इसमें निकले, पहले तो हम यही लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, क्योंकि दोनों में ही डायगोनल्स का काम है, तो हम लिख लेते हैं वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। पहले हम ये लाइन लिख लेते हैं, अब हम लिखेंगे एस ओ इक्वल्स टू ओ यू। एस ओ की वैल्यू कितनी है, एस ओ मतलब ये जो 20 लिखी है 20, इसकी वैल्यू ओ यू की है आपकी y प्लस 7, ये ओ यू है, इसकी वैल्यू आपकी y प्लस 7 है। तो हम क्या निकालेंगे, y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 20 माइनस 7, y यही रह जाएगा, 7 माइनस पर चला जाएगा, तो हमारा y की वैल्यू आ जाएगी 13, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 13। अब इसके बाद अब हमें निकालना है, फिर से हम क्या करते हैं, आर ओ इक्वल्स टू ओ एन, ये भी डायगोनल्स है जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें भी ऐसे लिखेंगे आर ओ की वैल्यू 16 और ओ एन की वैल्यू एक्स प्लस वाई, 16 एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको मालूम है 13 है, तो आप 13 लिख सकते हो, वाई की जगह पे आप 13 पुट कर सकते हो, तो आपका क्या आ जाएगा 16, एक्स तो यही रह जाएगा लेकिन माइनस का 13 यहाँ चला जाएगा, तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 और वाई की वैल्यू आ गई है 13। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट भी आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। मैंने डायगोनल्स आपको पहले ही बताए थे जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, उसी तरीके से हम लिखेंगे कि ये हमारा एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे ओ पहले इसमें दिया नहीं था, तो हम यहाँ पे ओ मान लेते हैं, जिससे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाए, इसलिए हमने इस तरह से सॉल्व किया है इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, मतलब दो ही पार्ट थे, तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे हमारा फिनिश हो जाता है। थ्री पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में डायग्राम दिया हुआ है,
देखिए ये पूरा एक डायग्राम है, इसमें हम कैसे करेंगे, हम इसको पहले ये 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 और ये एक डायग्राम मानेंगे और ये सी एल यू ई सी एल यू ई एक डायग्राम मानेंगे, आर आई एस के एक डायग्राम होने, मतलब इसमें दो पैरेललोग्राम है ऐसा मान के हम चलेंगे। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन में लिखते हैं एन पैरेललोग्राम कौन सा, आर आई एस के, पहले ये सॉल्व करते हैं आर आई एस और के। ठीक है, आर आई एस के में क्या होगा, एंगल आर के एस प्लस एंगल आई एस के इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए कौन सा, आर के और एस, एक ये वाला एंगल आई एस के, मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, इसलिए हमने इसका दोनों का सम 180 डिग्री किया है। अब इसमें लिख लेते हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये आपको ब्रैकेट में लिखना है, इनको प्लस करोगे तब। ठीक है, तो आर के एस इसकी वैल्यू 120 डिग्री है, आई एस के की वैल्यू आपको नहीं मालूम है, जो हमको निकालनी है 180 डिग्री। अब एंगल आई एस के इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये 120 डिग्री जो है वो यहाँ माइनस में चला जाएगा, तो 120 डिग्री आई एस के कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 60 डिग्री, एंगल आई एस के की वैल्यू 60 डिग्री, मतलब ये जो हमारी वैल्यू है ये अब हमारी कितनी आ गई है 60 डिग्री। ठीक है, ये वाली 60 डिग्री हमारी वैल्यू आ गई है। अब हम सेकंड वाला करेंगे, इन पैरेललोग्राम सी एल यू ई, ठीक है सी एल यू ई, अब इसमें क्या हो जाएगा, एंगल सी एल यू इक्वल्स टू सी एल यू इक्वल्स टू एल यू ई सॉरी सी ई यू, एंगल सी ई यू, एंगल सी एल यू इक्वल्स टू एंगल सी ई यू, ये दोनों अपोजिट एंगल्स है ई और एल वाला, तो ये हम इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पे हम इसके ब्रैकेट में लिख देंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब एंगल सी एल यू इसकी वैल्यू 70 डिग्री है, तो एंगल सी ई यू की वैल्यू भी 70 डिग्री ही आ जाएगी। ठीक है, तो एंगल सी ई यू भी हमारा 70 डिग्री हो गया। अब हमें निकालनी किसकी वैल्यू, एक्स की, मतलब ये भी 70 डिग्री आ गया हमारा। ठीक है, ये बाद में आया है ना 70 डिग्री, तो अब हमारा क्या करेंगे हम, अब हम ये देखो ये देखते हैं तो हमारा ये ट्राइंगल बन जाता है, हम इसको ओ मान लेते हैं, इसको हम ओ मान लेते हैं, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ई एस, ओ ई एस। अब ओ ई एस में क्या करते हैं, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये आ गया आपका बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब क्या करेंगे, इसमें आपका क्या आ जाएगा, इसमें आपका 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री, 70 प्लस 6 क्या आ जाएगा 130 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, और अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो x इक्वल्स टू हमारा 50
एक्स की वैल्यू हमारी निकल के आ गई है 50 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 का जो मैंने करा था आपका ये कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9 भी।